जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं। जी हां, आज का मेरा वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने की अप्लाई किया था CRPF पैरामेडिकल स्टाफ 789 वैकेंसी, SI ASI इंस्पेक्टर हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल की वैकेंसी। काफी अच्छी रिक्रूटमेंट आप लोग की निकली थी और जिसके लिए कि आप लोग के फिजिकल यहां पे फिनिश करा लिए गए। जी हां, फिजिकल आप लोग के फिनिश हो गए। टेस्ट मींस जो लिमिट डिपार्टमेंट ने सोची थी उससे कहीं ज्यादा स्टूडेंट्स ने जो है यहां पे फॉर्म अप्लाई किए थे CRPF पैरामेडिकल स्टाफ में, और इसकी वजह से आप लोग के जो है लिमिट से ज्यादा सेंटर बनाने पड़े थे। जी हाँ, पूरी डिटेल मैंने आप लोग को प्रोवाइड कराई थी फिजिकल से रिलेटेड। फिजिकल आप लोग के ठीक ठाक हुए, सभी ने फिजिकल, काफी स्टूडेंट्स ने यहाँ पे जो है फिजिकल फिनिश किए। फिजिकल जैसे जैसे फिनिश होते गए तो स्टूडेंट्स का जो एक क्वेश्चन था, जी हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो था नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप यानी कि रिटन एग्जाम। फिजिकल हमने सर क्लियर कर लिया, अब रिटन एग्जाम की जानकारी दीजिए। रिटन एग्जाम कब होंगे, कैसे होंगे, पूरी जानकारी दीजिए। तो मेरे को जैसे जैसे इंफॉर्मेशन मिल रही है मैं आप लोग को प्रोवाइड कर रहा हूं। जी हाँ, मैंने आप लोगों से कहा है आप लोग रिटन एग्जाम की प्रिपरेशन कीजिए, समय बहुत कम है। जैसी जैसी इंफॉर्मेशन मिल रही है मैं आप लोग को प्रोवाइड कर रहा हूं। जी हाँ, क्योंकि बीच में आप लोग की प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो गई थी, नहीं तो आप लोग के ये जो है रिटन एग्जाम CRPF पैरामेडिकल स्टाफ के अभी तक लिए जा चुके होते। इसके अलावा मैंने आप लोग को अभी एक डेट बताई थी, जी हाँ, 22 अगस्त की एक डेट बताई थी कि 22 अगस्त से आप लोग के यहाँ पे फिजिकल होंगे। बिल्कुल क्लियर जानकारी मैंने आप लोग को बताई थी और थंबनेल में ही मैंने आप लोग को डेट लिख के दे दी थी 22 अगस्त। जी हाँ, 22 अगस्त से आप लोग के फिजिकल हैं, रेडी रहिए, पूरे पूरे चांस हैं, ऐसा ही डिपार्टमेंट बोल रहा है। और ये मान के चलिए 22 अगस्त से फिजिकल थे रिटर्न, जी हाँ, 22 अगस्त से रिटर्न एग्जाम थे, लेकिन किसी कारणवश जो है इसको पोस्टपोन कर दिया गया है। मैं आप लोग को अपने प्रीवियस वीडियो में पूरी जानकारी देता आ रहा हूं। यदि आप लोग मेरे चैनल से जुड़े हैं, मेरे सभी वीडियोस देखते हैं, तो आप लोग को पता होगा कि सर ने जो जानकारियां दी हैं वही जानकारियां जो है अभी तक चलती आ रही हैं। तो 22 अगस्त से आप लोग के यहाँ पे रिटर्न एग्जाम नहीं हो रहे हैं, तो रिटर्न एग्जाम कब होने वाले हैं, तो अभी प्रीवियस मैंने आप लोग को एक वीडियो और बनाया, सेप्टेम्बर लास्ट वीक या फिर अक्टूबर फर्स्ट वीक में आप लोग के यहाँ पे रिटर्न एग्जाम हो सकते हैं, डेट फिक्स नहीं है। यदि डेट फिक्स होती तो उसकी जानकारी मैं आप लोग को दे देता। जो भी आप लोग की अभी जानकारी है टेंटेटिव, यानी कि आप लोग की जो ये मान के चलिए इस डेट में आप लोग के फिजिकल लेने हैं, इन दिनों में फिजिकल लेने हैं, ऐसा डिपार्टमेंट कह रहा है, लेकिन चेंजेस किया जा सकता है यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो। यदि डेट की जानकारी होगी तो मैं आप लोग को प्रोवाइड कराऊंगा। जी हाँ, चैनल पे नया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे ही मुझे इन्फॉर्मेशन मिले मैं आप लोग को इसकी जानकारी दे दूँ। तो 22 अगस्त वाली डेट पोस्टपोन हो चुकी है, ठीक है, वो जानकारी मैंने आप लोग को दे दी। बार बार वो जानकारी देने से कोई फायदा नहीं। आज का मेरा वीडियो, जी हाँ, आज का मेरा वीडियो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है यदि आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट काफी ज्यादा परेशान है। सर रिटर्न एग्जाम कहाँ होंगे, जी हाँ, इसको लेकर के स्टूडेंट काफी परेशान है। मेरे चैनल पे काफी कमेंट्स आते हैं, सर रिटर्न एग्जाम कहाँ होंगे, रिटर्न एग्जाम कहाँ होंगे, जहाँ हमने एग्जाम दिए थे कितने सेंटर बनाए जा रहे हैं, मतलब इस चीज को लेकर के बच्चे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में है। तो मैं आप लोग को बता दूं, आज मेरे पास आप लोग के लिए A to Z जानकारी अवेलेबल है। रिटर्न आप लोग के कहाँ होने वाले हैं, कितने सेंटर बनाए जाएंगे, कितने बच्चे एग्जाम देने वाले हैं, कितने बच्चे रिटर्न एग्जाम देंगे, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, ASI SI, A to Z जानकारी आज मेरे को अवेलेबल है। जी हाँ, आज मेरे पास A to Z जानकारी है और ये मान के चलिए मैं आप लोग के लिए वीडियोस लेके आता रहूंगा, सभी जानकारियां आप लोग को मिलेंगी 1 by 1। तो आज की क्या इंफॉर्मेशन है, जी हाँ, आज मैं जो आप लोग को इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ आप लोग के एग्जामिनेशन सेंटर की, एग्जाम आप लोग के कहाँ होंगे, कितने सेंटर आप लोग के बनाए गए हैं, कितने अप्रोक्सीमेट बच्चे बुलाए जाएंगे, पूरी जानकारी आप लोग को मेरे इस वीडियो मिलने वाली है। वीडियो आप लोग लास्ट तक देखेंगे, A to Z जानकारी आप लोग को एग्जामिनेशन सेंटर की देने वाला हूं। जी हां, नोटिस मेरे पास अवेलेबल है, जी हां, बहुत से नोटिस मेरे पास अवेलेबल है, लेकिन मैं आप लोग को दिखा नहीं सकता। आप लोग डाटा नोट कीजिए और आप लोग मैच करवाइएगा इस डाटा को जो जानकारी मैं आप लोग को दे रहा हूं। तो कौन कौन से सेंटर आप लोग के बनाए गए हैं, सबसे इंपॉर्टेंट,
तो देखिए इसमें जो बताया गया है आप लोग का 22/8/2021 की डेट को यहाँ पे पोस्टपोन कर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट डेट की जानकारी अभी नहीं दी गई है। तो यहाँ पे आप लोगों से जो कहा जा रहा है मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, हेयरिंग ऑफ केवी एंड स्कूल कॉलेज यानी कि केंद्रीय विद्यालय और आप लोग के जो स्कूल कॉलेज हैं मीन्स फॉलोइंग सीजी यानी कि आप लोग के जो ग्रुप सेंटर दिए गए हैं यहाँ पे जो भी केंद्रीय विद्यालय स्कूल कॉलेज वगैरह हैं, ठीक है, वहाँ पे आप लोग के यहाँ पे रिटर्न एग्जाम होने वाले हैं। तो यहाँ पे आप लोग को ग्रुप सेंटर की जानकारी मैं देने वाला हूँ, कौन कौन से ग्रुप सेंटर पे आप लोग के जो है यहाँ पे रिटर्न एग्जाम होंगे, वहाँ पे जो भी इनका केंद्रीय विद्यालय या फिर स्कूल कॉलेज वगैरह होगा वहीं पे आप लोग के रिटर्न एग्जाम होने वाले हैं। जी हाँ, मैं जो बोल रहा हूँ उस चीज़ को आप लोग बहुत ही ध्यान से सुनिए। तो जो आप लोग के ग्रुप सेंटर बनाए गए हैं उन्हें आप लोग नोट कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले जो आप लोग का ग्रुप सेंटर है वो आप लोग का जालंधर, जी हाँ जालंधर ग्रुप सेंटर है। इसके बाद आप लोग का सेकेंड जो है वो है बंतालाब, ठीक है, बनता लैब है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो आप लोग का ग्रुप सेंटर आप लोग का गुड़गांव है। इसके अलावा फोर्थ आप लोग का जो है दिल्ली, जी हाँ दिल्ली भी है आप लोग का। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है आप लोग का ग्रुप सेंटर सीआरपीएफ नोएडा। इसके अलावा जो नेक्स्ट है वो है आप लोग का ग्रुप सेंटर सोनीपत रहने वाला है। इसके अलावा सेवेंथ आप लोग का जो है ग्रुप सेंटर आप लोग का जो है यहाँ पे CG2 अजमेर, ठीक है। इसके बाद जो एट्थ है आप लोग का वो है आप लोग का CRPF लखनऊ, जी हाँ ग्रुप सेंटर लखनऊ आप लोग का यहाँ पे बनाया गया है। इसके अलावा आप लोग का जो नाइन्थ है वो आप लोग का ग्रुप सेंटर CRPF मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट आप लोग का है यहाँ पे टेंथ है मोकामा घाट, जी हाँ ग्रुप सेंटर मोकामा घाट। और इसके अलावा इलेवेंथ है आप लोग का ग्रुप सेंटर गुवाहाटी। इसके अलावा ट्वेल्थ है आप लोग का ग्रुप सेंटर नीमच। और 13 है आप लोग का ग्रुप सेंटर इलाहाबाद। इसके अलावा 14 है आप लोग का ग्रुप सेंटर नागपुर। और 15 है आप लोग का ग्रुप सेंटर अवधि, जी हाँ अवधि। इसके अलावा 16 जो है आप लोग का यहाँ पे ग्रुप सेंटर है पल्लीपुरम, जी हाँ पल्लीपुरम। इसके अलावा जो 17वां नंबर है वो है आप लोग का ग्रुप सेंटर पुणे। और इसके अलावा 18वां है आप लोग का ग्रुप सेंटर हैदराबाद। और इसके बाद जो नेक्स्ट है आप लोग का ग्रुप सेंटर भुवनेश्वर। और इसके बाद नेक्स्ट आप लोग का है ग्रुप सेंटर CRPF पिंजोर, जी हाँ पिंजोर। इसके अलावा मोहर लगी हुई थोड़ी समझ में नहीं आ रही, ठीक है। इसके अलावा 21 है आप लोग का ग्रुप सेंटर CRPF ग्रुप सेंटर 1 CRPF अजमेर, ठीक है। तो ये आप लोग के 21 ग्रुप सेंटर बनाए गए हैं, नंबर ऑफ कैंडिडेट की डिटेल यहाँ पे दी गई है, ठीक है। मोहर वगैरह लगी हुई 21/8 वाली डेट जो थी आप लोग की पोस्टपोन होगी। तो इन्हीं ग्रुप सेंटर्स में आप लोग के जो है रिटर्न एग्जाम होने वाले हैं। ग्रुप सेंटरों में जो भी आप लोग के केंद्रीय विद्यालय स्कूल वगैरह कॉलेज वगैरह होंगे वहीं पे आप लोग के जो है रिटर्न एग्जाम होने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा पूरी डिटेल मेरे पास पड़ी है, कितने स्टूडेंट यहाँ पे एग्जाम देने वाले हैं, कितने स्टूडेंट्स कॉन्स्टेबल के लिए एग्जाम देंगे, कितने स्टूडेंट जो है यहाँ पे SI ASI के लिए एग्जाम देंगे, आने वाले वीडियोज में मैं आप लोग को A to Z जानकारी दूंगा। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, जी हाँ बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि काफी समय से बच्चे परेशान थे कि सर कितने सेंटर बनाए गए हैं, कौन कौन से ग्रुप सेंटर है, कहाँ पे रिटर्न एग्जाम होंगे, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तो आज जैसे ही मेरे पास टाइम मिला तो मैंने आप लोग के लिए इन्फॉर्मेशन निकाल ली, मेरे पास नोटिस आ गया, नोटिस मुझे मिल गया तो मैंने आप लोग को जानकारी दे दी, क्योंकि रिटर्न एग्जाम, जी हाँ रिटर्न एग्जाम आप लोग के होने हैं होने हैं होने हैं। रिटर्न एग्जाम का पूरा प्रोसेस चल रहा है, मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं। यहाँ पे सितंबर लास्ट से लेकर लास्ट वीक से आप लोग के अक्टूबर फर्स्ट वीक की जानकारी मेरे पास है और मैं आप लोग को शुरू से जानकारी दे रहा हूँ। यदि आप लोगों ने मेरे वीडियो में कमेंट किया होगा तो मैंने आप लोग को यही बोला है, अक्टूबर, जी हाँ अक्टूबर, अक्टूबर का वेट कीजिए, अक्टूबर का वेट कीजिए। उसमें भी मैंने आप लोग को एक डेट बता दी थी लेकिन अभी तक जो है उस डेट को फिक्स नहीं किया गया है। तो आप लोग सितंबर लास्ट से अक्टूबर का फर्स्ट वीक मान के चलिए, मान के चलिए, मान के चलिए। जैसे ही कुछ कंफर्म डेट पता चलेगी मैं आप लोग को बताऊंगा। लेकिन मैंने आप लोग को ग्रुप सेंटर्स की जानकारी दे दी है जो कि आप लोग के बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप सेंटर है। इन ग्रुप सेंटर में कितने बच्चे रिटर्न एग्जाम देने वाले हैं इसकी जानकारी भी मेरे पास है, कब कब एग्जाम होंगे, कितने मीन्स किस ट्रेड के कितने बच्चे, A to Z जानकारी। लेकिन ये सब जानकारी आप लोग को आने वाले वीडियोस में ही प्रोवाइड कराऊंगा। तो इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जी हाँ 21 आप लोग के सेंटर ग्रुप सेंटर है, ठीक है। और इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को शुरू से कहता रहा हूं, जी हाँ शुरू से कहता रहा हूं, सभी वीडियोज में कहता रहा हूं, ये इंफॉर्मेशन आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आप लोग की प्रिपरेशन, प्रिपरेशन पे पूरा फोकस कीजिए, रिटर्न एग्जाम की तैयारी कीजिए, रिटर्न एग्जाम में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यदि आप लोग हैं इंस्पेक्टर, हेड
इंस्पेक्टर एएसआई और सब इंस्पेक्टर आप लोग का ग्रेजुएट लेवल का पेपर आने वाला है, हेड कांस्टेबल का 12th लेवल का और कांस्टेबल का जो है यहाँ पे 10th लेवल का पेपर आएगा। बिल्कुल क्लियर कर दूं आप लोग को, रीजनिंग मैथ हिंदी इंग्लिश आप लोग की आने वाली है। इसके अलावा 50 क्वेश्चन आप लोग के अपने अपने ट्रेड से आएंगे, चाहे कांस्टेबल कुक हो, कांस्टेबल स्वीपर हो, कांस्टेबल वाटर कैरियर हो, स्टाफ नर्स की वैकेंसी हो आप लोग की, रेडियोग्राफर की वैकेंसी हो, लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी हो, लैब असिस्टेंट की वैकेंसी हो, आप लोग के अपने ट्रेड से 50 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो उस पर आप लोग को ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है। तो आज का मेरा वीडियो इंपॉर्टेंट था, लेकिन आने वाले वीडियोस भी आप लोग को इसी प्रकार से इंपॉर्टेंट वीडियो मिलेंगे, क्योंकि अब मैं आप लोग सीआरपीएफ की इसी प्रकार से जानकारी देता रहूंगा जब तक कि आप लोग के रिटन एग्जाम क्लियर नहीं होते। तो अभी मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा और जाने से पहले ये कहूंगा, यदि चैनल अपने चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन वाले बटन को जरूर दबाइए, ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के लिए आते रहो। ओके, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।